ये रूल्स देख के कहीं से भी हमें गेस्ट वाली फीलिंग तो नहीं लग रही है अबे यार, बट यार मैं इतने ऐसे लड़कियों की माइंड रीड करता तो मेरे घर पे वाइफ से झगड़े होते क्या यार? ये क्या गेम खिला रहे हो यार? मतलब आपकी क्या मजबूरी है? हमें तो ये कल मतलब हमारा तो ये कि कल को हम स्ट्रीम करेंगे तो हम स्वानी को गेस्ट बुलाएंगे। स्वानी के फैन बेस का वो एक दूसरे के फैन बेस का इंटरचेंज होगा। आप क्यों आए हो यहाँ पे? स्वानी भी रखना पड़ता है वरना प्रेशर है। इस बार गेस्ट बोरिंग थे। आपका तो 15वां स्ट्रीम चल रहा है, प्रेशर तो हम पे है ना, हमें पूरा कंटेंट। इस बार के गेस्ट में दम नहीं था। हेलो। हाय। बिफोर वी गो अहेड, आई वांट टू नो, ये इतनी सनलाइट कहाँ से आ रही है इप्सिता के घर में? कहाँ रहते हो आप? पक्का आप सूर्य? ओके, तो आप दोनों को गेस करना है कि इप्सिता का प्रोफेशन क्या है। अगर आपने गेस कर लिया, फैंटास्टिक। अगर आप गेस नहीं कर पाए तो इप्सिता देगी आपको कोई डेयर जो आपको करना पड़ेगा। लेट्स बी स्पोर्टिंग इनफ टू डू इट। हम जीते तो हमें कुछ भी नहीं है, हमें डेयर वेयर कुछ नहीं है वापस। क्या आपको क्या करना है? यू वांट टू गिव इप्सिता डेयर, यू कैन गिव। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ रूल्स देख रहा हूँ यार। मतलब ये रूल्स देख के कहीं से भी हमें गेस्ट वाली फीलिंग तो नहीं लग रही है। पहले तो वही स्टैंडर्ड फ्रीलांसिंग है या नॉर्मल रेगुलर 9 to 5 जॉब है? यस एंड नो क्वेश्चन होना चाहिए। अरे बाप रे, स्वानी क्या भारी ट्रेन करके लाई है तू? आर यू अ फ्रीलांसर इप्सिता? नो। बट निशान, जिसमें अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉयड तो है। हाँ, मतलब स्वानी ऐसा क्या बोलते हैं, कंटेस्टेंट बेरोजगार तो नहीं होगा ना? पता नहीं इनके बिहेवियर से जैसा हमें ये ट्रीट कर रही है इप्सिता, बहुत एचआर वाली फील आ रही मुझे। मैं बोलने ही वाला था। जैसे कहा आप कहाँ रहते हो, नहीं उन्होंने नहीं बताया कि भाई साहब एचआर जवाब नहीं देता हो कि तुम बताओ तुम कहाँ रहते हो। जॉब रिलेटेड टू क्रिएटिव फील्ड, सोशल मीडिया टाइप्स क्रिएटिव फील्ड में है? नो। अबे यार, बट यार मैं इतने ऐसे लड़कियों की माइंड रीड करता तो मेरे घर पे वाइफ से झगड़े होते क्या यार? ये क्या गेम खिला रहे हो यार? किसी बैंक में काम करते हो क्या? कि आपसे लोन लिया क्या मैंने कभी? नहीं। Does your job include lot of interaction? Client facing. आपका क्वेश्चन क्या है? क्लाइंट इंटरेक्शन? कंफ्यूज कर दिया आपने। हाँ। विपुल भाई, क्या आप क्वेश्चन क्या अपना? फेस, डू यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर क्लाइंट्स फेस टू फेस? एग्जैक्ट, वही जो स्वानी ने पूछा। हाँ। नो। पता है, मैं बोला इतने डिमीनिंग जॉब्स बताते कि वो शर्म के बारे बता दी कि ये सब नहीं यार प्लीज। वैसे या तो आप मॉल में हमारे पे परफ्यूम छिड़कते हो क्या? यार मैं सबको लाती हूँ स्ट्रीम पे, ऐसे मत करो। I've got like waiters from mountaineers to everybody on the stream. और भी रखना पड़ता है वरना प्रेशर है। इस बार गेस्ट बोरिंग थे। आपका तो 15वां स्ट्रीम चल रहा है, प्रेशर तो हम पे है ना, हमें पूरा कंटेंट। बार के गेस्ट में दम नहीं था। हम इधर गेस्ट करने थोड़ी आए यार। जो चार स्ट्रीम में इमेज बनाई है वो अभी खराब नहीं हो, वो बचाने आए बस यार। खाना बनाना, शेफ वगैरह। अब ये भी है ना, इनका क्रिएटिव हमारा क्रिएटिव अलग भी तो सकता है। मेरे हिसाब से शेफ होना बहुत ही क्रिएटिव चीज है। शेफ तो क्रिएटिव, स्विगी में डिलीवरी। मेन स्ट्रीम जॉब है, मेन स्ट्रीम जॉब है। अकाउंटेंट नहीं है? नो, आई एम सेइंग, अरे तो हेल्प कर रही हूँ मैं। मेन स्ट्रीम जॉब है, मैं करना ही नहीं है, जाओ करो। नहीं नहीं, बताओ मेन स्ट्रीम। अरे मैं नहीं बता रही। निशांत, अपन चार मेन स्ट्रीम जॉब क्या होते हैं एक बार? तो वो लॉयर, डॉक्टर, पायलट। चार में से पायलट नहीं, चार में पायलट नहीं होगा। इज इट कोडिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड? No. आप सही में जॉब करते हो ना? हमने साइंस कॉमर्स तो क्लियर किया ही नहीं ना कि कौन सी स्ट्रीम है। ज्यादा सैलरी वाली जॉब तो वैसे निकल गई साइंस में तो। ये 5 लाख पर मंथ की जॉब लेके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी बॉस को भेजने वाला हूँ कि ये देख लो वर्क फ्रॉम होम क्या हो रहा है। आप देख लो, कॉल सेंटर या एचआर, दो में से कर लेते हैं। और अगर एचआर एट कॉल सेंटर हो गया फिर तो बैंक ऑन है। डू यू वर्क एट अ कॉल सेंटर? ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकर हो आप? इज दैट अ क्वेश्चन? नो। एचआर निकले तो बहुत ही बुरा लगा। इतने
शुरू में जो गेस किया था अगर वो इस क्वेश्चन पे बोले तो बुरा लगेगा। Does your profession include making rangoli in office? क्रिसमस पे लाल टोपी लेके आना, ये क्वेश्चन था क्या? ये इमोशन था। You've already said it twice. अबे लिखा नहीं करे। चार है यार विपुल भाई। HR. We go with the most. Again, is that a question? हाँ हाँ। ये HR वाली हरकत है। Are you a HR? Do you also want it on email? Yes, please send me an email. अरे यार HR है। That's my job. मैं तो हरकतों से पहचाना था। कहाँ हो HR इप्सिता? कहाँ पर हो आप HR? मैं एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है। कौन से शहर में हो? अब बता दो। ये भी कैसे था? स्टार्टअप है तो बेंगलोर है क्या? अरे यार इच्छिता आपके वहाँ कॉर्पोरेट शो कराना हो तो दिस इज गॉड कौन लड़का निकला? अरे यार मुझे गौर की दाढ़ी से अभी लग रहा है गौर अंडरग्राउंड रैपर है। ओ गौर गेमर भी हो सकता है। गेमर भी हो सकता है। कितनी वो है गेमर वाली है। निशान जॉइन द ज़ूम कॉल, उन्होंने देखा पार्टिसिपेंट्स में गौर है एंड ही वाज लाइक सो एक्साइटेड कि गौर कोई लड़की होगी। लड़की नहीं गौहर खान, वो गौर बिग बॉस वाली। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू सर, वेरी सॉरी। यू कैन स्टार्ट नाउ। नॉट डिसअपॉइंट बाय गिविंग अस हिंट, मतलब हां या ना के मैं पहले सवाक मार देना कि ये मत पूछो तो हम वो नहीं पूछेंगे। और कहीं पे भी लगे से जा रहे तो बहुत हार्ड बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। निशान तूने एक तो कुर्सी वाला बहुत सही पकड़ा है, इस फील्ड में ही है और दाढ़ी और हेडफोन से मैं रैपर है, ये वो मुझे स्टीमर टाइप्स लग रहा है जो ही होता ना अभी ही डिडंट मेक इट वाला। ओ भाई, मतलब अभी स्ट्रगल ऑन है, अभी आप अराइव नहीं हुए। वैसे हेडफोन भी महंगे वाले पहन रखे हैं, ब्लूटूथ वाले देखो जैसे आपने पहने। दूसरा, इसके रूम में एसी है या कहीं ठंडी जगह बैठा है? क्योंकि हुडी पहन के बैठा है। अगर रूम में एसी है तो मतलब पैसे पूसे ठीक ठाक ही बन रहे हैं ना। ये इसके जैसे बाल बना रखे हैं, जैसे इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है, खुद के पैसे लग रहे हैं। नहीं वो तो इसको बता देना स्वानी की स्ट्रीम पे आ रहा है ना, तो क्या है और को गुस्सा आ रहा है कि साले क्या रोज करते हैं। इज इट अ 9-to-5 कॉर्पोरेट रेगुलर जॉब? कोई फ्रीलांसर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। फ्री तो लग ही रहा है निशान। सो व्हाट यू कैन डू लांसर वाला ओपन एंडेड है लेकिन फ्री तो लग रहा है। गौहर, सो आर यू अ फ्रीलांसर? यस। घर से पापा से पैसे मंगाते हो? नहीं पता चलेगा ना। ये विपुल भाई इसको ऐसे वैसा पूछ लेते कि क्या घर पे पैसे भेजते हो? भेजते हो? भेजने वाला तो लग ही नहीं रहा। गौर इज लाइक मैं क्यों आया यहाँ पर, मैं बाहर आया। ए भाई मुझे अरे गौर सुनो ना गौर, आपको भी कुछ अच्छे वापस आ रहे हो कम बैक तो दे दो हमें। दे दो हाँ, ताकि कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो, कम से कम स्वानी के चैट्स तो आते रहे सुपर चैट्स। यार मतलब ये क्या ही समझ रखा है यहाँ पर, वो समझ नहीं। फ्रीलांसर कौन होता है पता आपको? गरीब नहीं। इज योर जॉब तो है नहीं, क्या बोलूं मैं? प्रोफेशन जो भी बोलना है। प्रोफेशन रिलेटेड टू समथिंग टू डू विद इंटरनेट बेसिस। ओके तो स्ट्रीमर तो खत्म हो गया। हां अगर स्ट्रीमर होता तो फिर वो भी अपनी तरह गेस्ट की तरह आता ना, ऐसे थोड़ी आता यार। ये तो हमें पहले ही सोचना चाहिए यार। क्रिएटिव आर्ट फॉर्म में हो जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें कैमरा का इन्वॉल्वमेंट होता, कहीं भी कैमरा के आगे या पीछे ऐसा कुछ है? यस कैमरा भाई, विपुल भाई कैमरा इंक्लूडेड है। कैमरा तो MMS में भी लगता है यार। अच्छा स्वानी आपके ऑडियंस को पता भी नहीं होगा MMS क्या होता है। पर अभी MMS का मीनिंग शायद बदल गया आज के बच्चों के लिए। दे डोंट टर्न MMS एज MMS, इट्स डिफरेंट नाउ। या इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, ये दो में से एक पूछ लो। देखो ये मुझे स्ट्रगलिंग लग रहे हैं तो डायरेक्टर भी होंगे तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर ही होंगे। आप लोग सब स्वानी के दोस्तों इसलिए आ रहे हो या जनरली? मतलब आपकी क्या मजबूरी है? हमें तो ये कल हमारा तो ये कि कल को हम स्ट्रीम करेंगे तो हम स्वानी को गेस्ट बुलाएंगे। स्वानी के फैन बेस का वो एक दूसरे के फैन बेस का इंटरचेंज होगा। आप क्यों आए हो यहाँ पे मुझे समझ में आया। गौर भाई का स्वानी पे क्रश है, अब मैं समझ जाऊंगी ये सारा गेम समझ में आ गया है। तुम लोग आपस में तुरतो डर क्यों नहीं खेल लेते हमें? हमें क्यों बारात में नागिन डांस करने के लिए बुलाया गया?
My stomach's aching. Do you think Suhani is cute? Is that a question? Attitude, is that a question? That is a f***ing fact. दिखने अंधा है क्या? दिखता नहीं क्या? तो कहाँ पे थे अपन? Behind the camera, front of the camera पूछ लो। मेरे ख्याल से म्यूजिशियन पे जाते हैं रिंकी। अरे कैमरा की बात होगी। कैमरा हाँ बोला उसमें। कैमरे से रिलेटेड है। अभी जो करता है वो कैमरे से रिलेटेड है। इन्वॉल्व है। अरे तो हो सकता हो। मैं गिटार कहाँ से आया? अरे हो सकता है छोटी मोटी एल्बम आई हो, हमें क्या पता यार। डायरेक्टर एडी के लिए जाते हैं यार, डायरेक्टर तो असेंडिंग ऑर्डर पे जाओ ना। पेटीएम पे केवाईसी कंप्लीट करा तो क्या वो भी लेके आता कैमरा। I just feel we should give it to them here only. Yeah, I swear. I hell with my desk. Like just bakhsh de do yaar bas. बहुत ऐसा लग रहा है वो जो पैराशूट वाला बंदा नहीं था कि मैं क्यों आया। और भाई हम वैसे ऑफ कैमरा अच्छे लोग हैं ये। तो बिहाइंड द कैमरा में या तो वीडियो होता है या फोटो खींचने, दो ही का काम होता है। आर यू फोटोग्राफर? डज योर जॉब इंक्लूड समथिंग रिकॉर्डिंग ऑन कैमरा? नो। एक सेकेंड, अगर ये लोकेशन पे जाता है तो ये प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है, वरना इसमें बहुत एडिटर वाली फील्ड भी। अगर आप देखो ये कुर्सी क्योंकि इसको क्यों चाहिए, इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। ओ, एडिटर चाहिए इसको। एडिटर हाँ लेट्स लेते हैं। एडिटर वाली लुक भी यार, ये गांजा फूक के भी बैठा मैं बता रहा हूँ। वरना हो ही नहीं सकता। हम तब से इस पे ऐसे अटैक कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी एग्रेवेट नहीं हुआ। ट्रिगर नहीं हुआ भाई, बहुत सही बोला। इतना काम एंड कंपोज एक एडिटर ही है। आर यू एन एडिटर? एडिटर हाँ, एडिटर हाँ, आप पकड़ा गया। तो यार आप एडिटर हो क्रिएटिव फील्ड में और आप गोवा में रहते हो, आप मुझे बोल रहे हो आप गांजा नहीं मारते? आप बस रिपब्लिक टीवी से डर रहे हो। कांग्रेस और यार मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। नहीं, बहुत दिल को लगा, बहुत ही दिल को लगा।